जय गुरु बाबा। प्रवचन नंबर 54, 1974, आनंदमयी माँ का आश्रम नैमिषारण्य में। जो कुछ मैंने कहा सत्य थे भक्तिवान सत्यों, वो वेद दृष्टा ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तुमने जगत निर्माण किया, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, हम आपसे कोई भुक्ति मुक्ति की कामना नहीं करते, ना हम आपसे भुक्ति चाहते हैं ना हम मुक्ति ही मांगते हैं, एक चीज मांगते हैं आपके हम सच्चे भक्त बन जाएं। अब इन्हीं शब्दों के साथ अपने हृदय को निश्चिंत करता हुआ, क्यों वेद प्रचार का उत्तरदायित्व तो भागवत प्रचार की तरह अब डोंगरे जी को मैंने सौंप दिया। पितेव सून वे अग्ने सुपाय नो भव सचस्वा न स्वस्ते। कि जब हम पूजा करते हैं महाराज की तो महाराज को बैठना पड़ता है, माला डालते हैं और फिर चंदन लगाते हैं, तो एक गुरुपाद का बना दी गई, जो फूल माला पहनाना चाहे या चंदन लगाना चाहे, चंदन लगाना तो वहाँ भी ठीक नहीं रहेगा कि उसी की आकृति बिगड़ जाएगी, फूल माला डालना चाहे तो गुरुपाद का को फूल माला डाले और अपना मनोरथ पूरा कर ले। और दत्तात्रेय महाराज जो आदि गुरु हैं उनकी भी पादुका की ही पूजा गिरनार में होती है और उन्हीं की पादुका की पूजा गुरु शिखर आबू में होती है। अब वेदों का क्या रहस्य है, क्या तत्व है, ये तो गीता ने बतला दिया। वेद च सर्वैरहम एव वेद्य, श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि सब वेद मेरा ही प्रतिपादन करते हैं, चाहे ऋग्वेद को उठाओ, चाहे यजुर्वेद को, चाहे सामवेद को, चाहे अथर्ववेद, किसी मंत्र को भी वेद के मंत्र को आप क्यों न पढ़ें, उसमें आपको कृष्ण का ही प्रतिपादन दृष्टिगोचर होगा। और मैंने अपने पुस्तकों में ये प्रमाणित भी किया है कि सभी वेदों के मंत्रों के अर्थ श्री कृष्ण पर कहें। सबसे बड़ा वेद मंत्र जिसको हम वेद माता भी कहते हैं गायत्री है, और उसमें भी श्री कृष्ण का प्रतिपादन है। मैं पहले एक दिन इस विषय पर बोल चुका हूँ। अब प्रत्येक नगर में, प्रत्येक ग्राम में जब वेद ध्वनि होगी तो वेदों के मंत्रों के प्रभाव से आपका राष्ट्र समृद्ध होगा और इसमें शांति का साम्राज्य होगा। मैं समझता हूँ राम राज्य का पुनरावर्तन होगा यदि सच्ची वेद भक्ति हमारे में बनी रही। अब मैं तो बहुत वृद्ध हो गया। महामुनि नारद ने पंच देवों की स्थापना की, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांचों तत्वों से रचा हुआ ये शरीर एक ढंग का नहीं, सबकी प्रकृतियां भिन्न भिन्न की, किसी की पृथ्वी प्रधान, किसी की जल प्रधान, किसी की वायु प्रधान, किसी की अग्नि प्रधान, किसी की आकाश प्रधान, भिन्न भिन्न प्रकृति के जब जीव हैं तो उनके लिए औषधि भी भिन्न भिन्न प्रकार की होनी चाहिए। क्या सभी रोगियों को कभी एक प्रकार की औषधि से लाभ हो सकता है? हमारे ऋषि दूरदर्शी थे, वैसे तो प्रकृति अनेक प्रकार की है पर पांचों तत्वों की सृष्टि की रचना के दृष्टि से पांच प्रकार की प्रकृति, तो उनके उद्धार के लिए पांच देवों की उपासना हमारे द्वितीय नंबर आचार्य, पहले हमारे आचार्य हुए सनत कुमार जिनको हंस भगवान से उपदेश मिला, द्वितीय आचार्य हुए नारद, इन्होंने सोसाइटी के कल्याण के लिए यहां पंचदेवों की उपासना की। अब ये आपको ध्यान में रहे, क्या सनत कुमार क्या नारद ये दोनों ही आरंभ से वेद प्रचार करते हैं। छांदोग्य उपनिषद के
षष्ठ अध्याय में सप्तम अध्याय में जब नारद को जिज्ञासा हुई कि पुराण भी पढ़े, संगताएं पढ़ी, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, श्रौत ग्रंथ पढ़े, कोई विद्या शेष नहीं रही, पर हृदय संतप्त क्यों? संत कुमार के पास गए। संत कुमार महाराज ने उनको भूमा विद्या, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, उसका उपदेश। इससे पता चला कि नारद और संत कुमार जी दोनों ही वेद का प्रचार करते रहे, तभी तो ऋग्वेद भगवो धेमी। नारद कहते मैंने ऋग्वेद भी पढ़ा, यजुर्वेद भी पढ़ा, अथर्ववेद भी पढ़ा। तो संत कुमार गुरु की आज्ञा से पहले उन्होंने ऋग्वेद आदियों का अध्ययन किया काशी आदि क्षेत्रों में। पीछे संत कुमार महाराज के पास आकर उन्होंने फिर ब्रह्म विद्या सीखी। तो अब इन गुरुओं के वेद प्रचार को चालू रखने के लिए तीसरे आचार्य आए, बाभ्रव्य। ये बाभ्रव्य जो आचार्य हुए हैं, ये नारद के शिष्य थे। पहले है वेदों की संहिताएं। संहिता नाम किसके है? जहां पद मिले रहे, संधि रहे, अलग अलग न किए जाए। जैसे अग्नि मीड़े और मैं को आगे मिला दिया, पुरोहितम, यह संधि कर दी, था पुरा हितम बना दिया पुरो। दैट इज को जैसे डेट्स बना दिया जाए। तो यहां दो शब्द मिले रहे, उनको अलग अलग ना किया जाए, वो कहलाता है संहिता पाठ। तो अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञसदे मृत्युजम हो तारंग संधातुम, ये है संहिता पाठ। इनको अलग अलग कर दो, अग्नि ईड़े पुरहा हितम विच्छेद कर दो, तो हो जाता है पद पाठ। अच्छा, उन पदों में कहीं संशय न हो जाए, उन्हीं पदों का दो दो बार जैसे अग्नि मीड़े ईड़े दोबारा फिर बोल दिया, और एक एक पद को फिर दोबारा बोलते चलेगी, पुरा हितम हितम पुरा पुरा, ऐसे एक पद को दो दो बार बोला जो उसको क्रम पाठ कहते हैं। इस क्रम पाठ को प्रचलित किया बाभ्रव्य ऋषि। उसी वेद वेत्ता ऋषि ने नैमिषारण्य में नारद जी की स्तुति करते हुए स्कंद पुराण, महेश्वर खंड, कुमारिका खंड, उसके अंतर्गत उसमें ये परिचय दिया है कि मैंने गुरु संत कुमार और नारद से शिक्षा ली। मैं जनता के कल्याण के लिए संगीता पाठ पद पाठ तो पहले ही था, और ऋग्वेद की क्रम संगीता का प्रचार उन्होंने बाभ्रव्य मुनि ने किया। देखो, ऋषियों ने हमारे पर कितने उपकार किए। उनके 40वीं पीढ़ी एक श्रुति सिद्ध मुनि, संत कुमार की 40वीं पीढ़ी में, यो समझ लीजिए युधिष्ठिर महाराज से श्री कृष्ण महाराज से 1200 वर्ष पश्चात, इन्होंने ऋग्वेद मंडल पहला सूक्त 147 मंत्र है 3, वहां लिखते हैं मंत्रो गुरु पुनरस्तु सोसमयी, कि जो मनुष्य सन्मार्ग को छोड़कर कुमार की ओर चल रहा है उसको सही रास्ते पर लाने के लिए गुरु कौन है? वेद। कुमार्ग गामियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देने वाला वेद ही गुरु है। दूसरे किसमें छिपा हुआ रहस्य और भी है। जैसे हमारे गुरुदेव, हम उनके शिष्य क्यों हुए? उन्होंने हमारे को वेद मंत्र का उपदेश दिया। संसार में जितने आप गुरु शिष्य देखेंगे, उस गुरु शिष्य भाव के मूल में वेद ही मिलेगा। जब एक गुरु दूसरे शिष्य को वेद मंत्र का उपदेश देता है तो वो गुरु बनता है। तो श्रुति सिद्ध महाराज ने समझा कि जिस वेद के द्वारा एक साधारण मनुष्य दूसरों का गुरु बन जाता है, तो उसको गुरु बनाने का कारण कौन है? वेद। तो बड़ा गुरु तो वेद ही हुआ। इसलिए जैसे हम गुरु का सम्मान करते हैं, इसी ढंग से वेद का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने वेदों के मंदिर बनाए, यहां यहां वेदों की स्थापना की। ये पुराने इतिहास में आता है, और मैंने भी अपने एक पुस्तक श्रोतमणि चरितामृत में ये लिखा है। फिर जैन बौद्धों के प्रचार के समय जब वेद का विरोध होने लगा, ये प्रथा लुप्त हो गई। फिर
16वीं शताब्दी में श्री संत कुमार से 165वीं पीढ़ी में एक महात्मा हुए आचार्य श्री चंद्र महाराज, उदासीन संप्रदाय के जो आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने ये जिस वंश में जन्म लिया था उस वंश का नाम था वेदी। इनके पूर्व पुरुषों ने लाहौर कुछ कसूर का राज्य छोड़कर काशी में जाकर वेद पढ़ा। उसी वेद की महिमा से 227 मंत्र आते हैं वेदों में रुद्र भगवान के। उन्होंने उन रुद्र मंत्रों का अभ्यास किया, रुद्र प्रसन्न हुए। भगवान ने क्या चाहते हो कि हमारी वंश में शंकर का अवतार, तो वो ही उस वेदाभ्यासी जो क्षत्रिय लोग थे उनकी वंश में भगवान श्री चंद्र जी आए जो रुद्र के अवतार थे। उन्होंने अपने महात्माओं को आम जनता को भाषा में एक उपदेश दिया, गुरविनाशी सूक्ष्म भी। वो कहते हैं भाई तीन बातें याद रखने चाहिए, मैंने गुरु मंत्र किस गुरु से लिया और हमारा मुख्य धर्म पुस्तक कौन है वेद, और ब्रह्म विद्या हमको कहां से प्राप्त होती है उपनिषद से। ये तीन बातें उन्होंने बतलाई। जैसे आजकल ब्राह्मण से पूछा जाता है कि तुम्हारी शाखा कौन सी है और तुम कौन ब्राह्मण हो, संतों में उस समय ये प्रथा थी, तीन बातें पूछते, तुम्हारा गुरु कौन, तुम्हारा वेद कौन और तुम्हारी उपनिषद कौन। तो श्री चंद्र महाराज ने उत्तर दिया मेरे गुरु है अविनाशी मुनि और सूक्ष्म वेद है साम वेद का नाम, क्यों साम वेद है गाने में, गाना बड़ा गंभीर है। तानसेन जैसे ने आज भर सीखा और हरिदास महाराज के सामने फिर भी उससे गलती होगी। तो वेद है सूक्ष्म, भगवान भी सूक्ष्म, उनका स्वरूप साम वेद भी सूक्ष्म, इसीलिए भगवान कृष्ण का वेदा नाम साम वेद, वेदों में साम वेद मेरा स्वरूप है। वैसे भी महाराज का निवास स्थान है द्वारका, और द्वारका है पश्चिम देश में मानी जाती, उधर का वेद माना जाता साम वेद, दिशाओं पर भी वेद विभक्त है। तो इसलिए उन्होंने फिर अपने शिष्यों को वेद प्रचार की अनुमति दी। अब ये जो मेरा पक्ष है ये बिल्कुल नया नहीं, मैंने बहुत प्राणी दृष्टि को फिर से लोगों के सामने रखा है। पहले भी वेद की स्थापना और वेद को गुरु मानकर लोग पूजन करते थे, मंदिर भी बनते थे, बीच में छोड़ गए थे, अपने आप कोई काम होता नहीं, फिर प्रभु ने प्रेरणा दी, मैं अपने आप कुछ नहीं किया, प्रभु ने प्रेरणा दी, तो ये वेद स्थापना का कार्य आरंभ हुआ। और प्रभु की कृपा का यही प्रमाण है कि जितने महापुरुष हैं सभी इस प्रचार का साथ दे रहे। शंकराचार्य द्वारका वाले, उन्होंने अपनी ज्ञान गुफा में वेद की स्थापना की, मुझे बुलाया। रामानुजाचार्य हैं मैसूर में, उन्होंने मुझे पत्र लिखा, स्वामी जी आप आए मैसूर में आए, मुझे पता नहीं लगा हमारे मठ में वेद की स्थापना हो। मैंने कहा महाराज मैं तो अभी नहीं आ सकूंगा, एक भक्त को मैंने भेजा, वहां वेद भेज दिया, उन्होंने यज्ञ भी बहुत बड़ा किया और वेद की स्थापना की हयग्रीव महाराज की सानिध्य, वेदों की रक्षा करने वाला अवतार है हयग्रीव। एक बार ब्रह्मा से हयग्रीव राक्षस छीन कर ले गया था वेदों को, फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु जी ने फिर हयग्रीव का अवतार लेकर वेदों की रक्षा की। तो उस आचार्य ने लिखा महाराज ये योगानुयोग कैसा बैठा, जिस भगवान के अवतार ने वेदों की रक्षा की सर्वप्रथम उसी हयग्रीव अवतार के मंदिर के सानिध्य में भगवान वेद की स्थापना हुई, वेद रक्ष भगवान अपने पास वेदों को पावर बड़े ही खुश हुए हों। और हमारी माताजी को भी प्रेरणा हुई, प्राणों ने प्रेरणा दी कि माताजी जब आप प्राण मंदिर बना रही हैं पर हमारा तो मूल है वेद, जब तक वेद की स्थापना न होगी अपूर्णता रहेगी। तो माताजी के हृदय में प्रेरणा हुई, इन्होंने भी कहा स्वामी जी वहां भी स्थापना होनी चाहिए। और इन्हीं के आकर्षण से मैं नीमी शरण में आया, नहीं तो ये बड़ा मुख्य तीर्थ था, मेरा दिल बहुत दिन से चाहता था पर कभी यहां ना आ सका।
मालूम नहीं था प्रभु ने ये योग लाना था कि माता जी यहां उपस्थित हो, महाराज भी आए और वेद भी छप जाए, फिर वेद की स्थापना हो। इसीलिए इस काम को संभव रोक रखा होगा। अब यहां प्रसन्नता की बात है और एक पाठशाला भी, संस्कृत विद्यालय भी ललिता देवी माता के नाम से चलता है, ललिता ऋषि कुल। तो मालूम देता है कि नीम शरण तीर्थ को भगवान अब फिर उसी रूप में लाना चाहते हैं जिस रूप में ये पहले रहा। यहां ही सूत ने शौनक को सुनाया और शौनक ने पूछा कि भगवान, भगवान के अवतार मुझे सुना, भगवान में जन्म लेकर अवतार लेकर क्या क्या दिव्य कर्म किए, इसी क्षेत्र में शौनक का ये प्रश्न था। और वहां भगवान वेद व्यास ने जब उत्तर दिया तो अवतार तो भगवान के 24, पर 24 नहीं बतलाए, 22 बतलाए। श्रीमद् भागवत स्कंद पहला अध्याय तीसरा, वहां 22 अवतार बतलाए और 22 अवतार में फिर कृष्ण प्रभु के लिए कह दिया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो तो साक्षात भगवान है, तो बाकी रह गए 21 अवतार। तो जब जब भागवत की गोष्ठी होती थी तो मैं पूछा करता था कि भाई ये क्या, जब अवतार 24 हैं तो ये 21 क्यों? जब वेदों का स्वाद है मैंने क्या, तब पता चला अथर्ववेद के आरंभ में लिखा है ये त्रिसवता परियंती विश्वारूपाण विभ्रता वाचस्पति बलाते शांग तन्नो अद्य धातु में, के भगवान के जो 21 अवतार हैं ब्राहादि नाना रूपों को धारण करके, हे वाचस्पति परमात्मन, उन अवतारों की जो विशेष विशेष शक्ति है वो मेरे शरीर में आप स्थापित कर दें, मैं भी उन्हीं 21 अवतारों की जो विशिष्ट मर्यादा पालन है, लीला है और बुद्धि है, ज्ञान शक्ति है और विघ्न विनाशन शक्ति है, असुरों का संहार है, धर्म की रक्षा है, वो बल मुझ में भी आ जाए। तो यहां अथर्व में 21 अवतार। अब शौनक महाराज ही ने अथर्ववेद का संग्रह किया, मंत्र तो पहले भी थे पर उनको जैसे मैंने चारों वेदों को इकट्ठा किया, भिन्न भिन्न सूक्तों को, 731 सूक्तों को शौनक महाराज ने अथर्ववेद की संगता के रूप में इसी नीम शरण में संकलित किया। तो उन्होंने पहले ही पढ़ा था ये त्रिसवता 21 अवतार। व्यास जी ने समझा कि अगर मैंने 24 कह दिए तो ये कहेगा भाई वेद विरुद्ध बोलते हो, अथर्व में तो 21 लिखे, 21 तो बता दिए। जब फिर शौनक कहने लगे, शौनक ने कहा कि देखना शौनक, 21 नहीं समझना, भगवान के अवतार तो अवतारा ही असंख्या, भगवान के अवतार असंख्य अनंत। धीरे धीरे कहीं वो जल्दी ये न समझ जाए कि वेद में 21 लिखे, ये क्यों 24 कह रहे हैं, कहते 21 मुख्य हैं और हंस ग्रीव को मिला लिया जाए और श्री कृष्ण प्रभु को भी साथ सम्मिलित कर दिया जाए तो 24 हो जाते हैं। अब एक बात और कह दें, वेदों में अवतारों का वर्णन बड़ा सुंदर आता, एक ही मंत्र में दशावतार, यहां तो 21 अवतार कह दिए अथर्व में। और यजुर्वेद अध्याय है 17, मंत्र है 33 और बड़ा छोटा सा मंत्र है, आशु शिशानः वृषभो नभीमः, छोटा सा सीधे सीधे शब्द है। आशु, आशु का अर्थ क्या है कि जो मिनटों में सब जगह फैल जाए, 52 भगवान। त्रिपद भूमि मांगी, जब बलि ने त्रिपद भूमि दे दी फिर इतना विस्तार बढ़ा दिया कि पृथ्वी और आकाश तो दो चरणों में आ गए, तीसरे चरण के लिए बलि को पाताल जाना पड़ा। आशु इतने शब्द में ही 52 का विराट होना बदला दी। आगे कहते शिशाना, शिशाना का अर्थ क्या है कि जैसे किसी लकड़ी को तरखान अपने साधन से ऊपर से छिलके उतारकर बिल्कुल साफ कर देता है, इसलिए जिस महापुरुष ने इंद्रियों के वृत्तियों को अपने अधीन करके योग साधना से अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म बना लिया, आत्म तत्व में लगा दिया,
सदा समाधि में स्थित रहते हैं वो आगे बुद्ध अवतार शीशाने से वो आगे वृषवा। वृषवा का अर्थ क्या है कि जो मनुष्यों की मना कामना को पूर्ण करने वाले। और फिर कैसे भीमा भयंकर, ये कौन है? भगवान राम, जिनका नाम लेते असुर कांपते थे। और आगे लिखा है कि संक्रंदन, जिसका आगमन सुनते ही क्षत्रियों के लड़के रोने लग जाते। देखो परशुराम महाराज ने 21 बार क्षत्रियों का वध किया, जब परशुराम का नाम सुनते तो छोटे छोटे बच्चे भी रोने लग जाते, ओहो अब हमारी रक्षा कौन करेगा, अत्याचारी क्षत्रियों का नाश इन्होंने किया। संक्रंदन करके ये बलराम। अनविशा, अनविशा का अर्थ क्या है? जिसकी आंखें न गिरती हो, हमारी तो पलकें गिरती हैं, ये मछली जो होती है इसकी आंखें खुली रहती है, कभी बंद नहीं होती, इसलिए मत्स्य अवतार आज। एक वीर, द्वितीय वीर कौन? श्री रामचंद्र जी। इस ढंग से एक में ही सबका समावेश यहां कर दिया, अनविशाह एक वीर। और अंत में लिखते हैं घना घना क्षोभण, घन नाम है श्याम का मेघ का, तो श्याम कौन? श्री कृष्ण। और घन मैंने गौर बलराम जी। क्षोभणा चरश्री नाम, सारे प्राणी जब वर्णाश्रम व्यवस्था को भूलकर गलत रास्ते चलेंगे, क्षोभण है उनको दंड देने वाले कल की बता। एक ही वेद मंत्र में दशों अवतारों का वर्णन यहां कर दिया गया। यजुर्वेद अध्याय है 17 है, और अध्याय है 17 है, मंत्र है 33। तो यहां पर कहते हैं शतम सेना अजयत शाकम इंद्र, कहते हैं क्या कहें, वो जो परमात्मा है वो अकेले सैकड़ों सेनाओं को जीत लेते हैं, जैसे अकेले ही बलराम कृष्ण ने कंस की सेना की कुछ नहीं बालवा का न कर सकी, बात की बात में प्रभु ने कंस को पराजित कर दिया और जरासंध को पराजित किया। इस प्रकार वेदों में प्रभु की लीलाओं का वर्णन आता है। अब पुराणों के साथ माता जी ने वेद की स्थापना करके पुराण पंडितों के लिए बड़ी सहज गति बना दी कि जब पुराण पढ़े तो साथ ही साथ ये पट कथा वेदों में कहां आती है उसको भी वो अनायास से ही देख सकते हैं। इस ढंग से वेद पुराण का समन्वय। अब लो मैं एक बात और सुंदर बता दूं, मैंने एक छोटा सा पुस्तक लिखा है गोपी गीत, 19 श्लोक हैं गोपी गीत के, और ये सबसे अच्छा स्तोत्र है। छिपे हुए प्रभु अगर प्रकट हुए तो गोपी गीत के द्वारा। हमारे से भी भगवान छिपे हुए हैं, अगर हम उनको प्रकट करना चाहें तो गोपी गीत गाया करें। इसीलिए गुजरात में गोप गीत की बड़ी प्रथा है, माताएं प्रातः काल उठकर ही गोपी गीत गाती हैं। वे जानती हैं कि जब छिपे हुए गोपियों के सामने प्रकट होंगे स्तुति से, तो जब हम श्रद्धा से स्तुति करेंगे तो हमारे सामने भी बांके बिहारी आकर प्रकट हो जाएंगे। उस गोपी गीत में एक गोपी गीत का 10वां श्लोक है, अधिक तो समय नहीं, एक नमूना बतला देना है। वहां लिखा प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम और विहरणं चिते ध्यान मंगलम, रहसी संविदा या हृदय स्पेशा। कहते कुहुक नो मन क्षोभयन्ति, कहते देखिए आपका हंसना और आपका कहते प्रेम पूर्वक हमारे ओर ताकना और इधर उधर चक्कर काटना, ये कहते साक्षात मिले तो बात ही क्या कहना, अगर हम इनका चिंतन भी करते हैं तो हृदय में आनंद की उर्मी पैदा हो जाती। पर प्रभु रहस्य संविदा या हृदय स्पृशा, जो आपने एकांत में हमारे से कुछ संकेत किए, बातें की जो हमारे हृदय में घर कर गई, अब निकालने पर ही वो नहीं निकलती, जब आप छिप गए हैं उन बातों का स्मरण आकर हमारा मन पीड़ित हो रहा है। मैंने भागवत के विद्वानों से चर्चा की भी एकांत में बातचीत प्रभु की कौन सी थी जिनसे गोपियों का मन क्षोभ हुआ, ना पदम प्राण में है, ना ब्रह्म वैवर्त प्राण में और ना ही विष्णु प्राण में। अब इस बात की कमी थी जो हमें अथर्ववेद से पूरी हुई। अथर्ववेद 7वां कांड, मंत्र है 31 और सूक्त है 31, मंत्र है 4। बड़ा सीधा साधा अहम बदामी नेतो,
एक गोपी प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, हम तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमती हैं, हमने तो आपके प्रेम में सर्वस्व लुटा दिया, माता पिता पुत्र भाई सबका त्याग किया, लोक लज्जा वगैरह किसी का ध्यान नहीं रखा, और तुम कितने कठोर हो, नए बदामी बोलना भी पसंद नहीं करते, कर बोलते भी नहीं, तुम तो बिल्कुल ही छप गए। अहम बदामी, मैं अहम बनी तुम उत्सुक, मैं तो बोलने के लिए उत्सुक हूं, और मैं इत तुम नहीं, तुम बदसी, तुम कुछ ना बोलते हो ना दर्शन देते हो। ये तो गोपी ने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु फिर प्रेमी के प्रेम में बल भी होता है कभी कभी, फिर भगवान के ऊपर भक्त हावी भी हो जाता है। अब गोपियां कहते हैं याद रखो, हमें से कब तक सताओगे, अधिक समय तक नहीं सता सकोगी, क्या होगा, कहते सब आयाम अह तुम बद, केवल एक एक गोपी के सामने नहीं, कहते क्या गोपिकाएं क्या गोप, जितना ब्रजमंडल होगा सबके सामने कहते प्रकट होकर हमारे प्रेम की महिमा से आपको बोलना ही पड़ेगा। ये एकांत की बात है। और फिर गोपी कहती है, जैसे आजकल भी गाने वाले भगवान कृष्ण का जो गाना गाया करते हैं, वो कहते चले नहीं जाना श्यामा नेहड़ा लगा के, हे प्रभु प्रेम पसम तो है मेरे ही होके रहे, हे प्रभु मेरी शब्द है, आप मुझे परित्याग करें, किसी दूसरे से प्यार नहीं करना। उसी बात को वेद में लिखा, माम एत असस्तुं केवला, हे भगवान कृष्ण ममैव, आप अकेले हम ब्रजवासियों के ही बने, कहते देखना मथुरा वगैरह में नहीं चले जाना, न अन्यासा कीर्तिश्चिन कुब्जा वगैरह, कहते नाम तक नहीं जीवा में लाना। ये प्रभु की एकांत बातें थी। अब ये गोपी गीत में जब हम रहस्य संविदा पढ़ा, ना श्रीधर टीका से पता चला, 16 टीका पढ़ी, ना किसी प्राण से, जब अथर्व वेद को देखा तो ये प्रभु की गुप्त लीला का पता चला। इस प्रकार यहां तहां वेदों में बहुत कुछ लिखा है, और इसीलिए जो वेद की श्रुतियां थी, क्यों दो तरह की गोपियां थी, एक तो कुमारी गोपिकाएं थी और एक थी विवाह। तो आपने पढ़ा ही होगा कि कुमार नंद ब्रज कुमारी का, हेमंते प्रथमे वासी, हेमंत ऋतु के कार्तिक महीने में नंद ब्रज की जो कुमारिका लड़कियां थी, उन्होंने कायत्यायनी माता की पूजा की ताकि कृष्ण हमारे स्वामी बने। यही ये कुमारियां कौन थी, पुराणों में जत्र तत्र लिखा है कि ये श्रुतियां थी, समय इतना नहीं इस लंबे चौड़े प्रसंग को सुनाए, पर इतना अवश्य कि ये श्रुतियां थी। और लिखा भी है वेद में भी, ऋग्वेद मंडल है 5, सूक्त है 44 और मंत्र है 14। वहां लिखा है जो जगार तंग ऋचा कामे अंते, जिस वामना अवतार ने 3 भूमि के बहाने सारे विश्व को हड़प कर लिया बलि के राज्य को, कि उस समय ऋचा कामे अंते, जो ऋग्वेद की ऋचाएं थी कहते वो उनको चाहने लगी, ऐसा भी कोई समय आएगा कि ये हमारा स्वामी बन जाए। तो प्रभु ने आश्वासन दिया कि हाँ द्वापर में ऐसा होगा, सब ऋचाएं आकर कुमारी गोपिकाएं बने और मेरे साथ रासरमण के द्वारा तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। इसीलिए गोपिका गीत में वल्लभ आचार्य ने 19 श्लोक है, 10 श्लोक तो है विवाहित देवियों के और अविवाहित देवियों के हैं 9। पहले जो 4 श्लोक हैं 1, 2, 3, 4 और उसके बाद ये 14, 15, 16, 17 ये 10 श्लोक तो प्रौढ़ा के हैं और बाकी 9 श्लोक हैं, आप 5 से शुरू कर दें, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 7 श्लोक इधर के और अंत के 2 श्लोक, ये 9 श्लोक हैं कुमारिकाओं के। और वे कुमारिकाएं भगवान प्रभु की स्तुति कैसे करती थी, अथर्व सामवेद उत्तरार्चिक पहला अध्याय सूक्त 15 खंड 5 मंत्र 5। देखो बिल्कुल
जो कुछ गोपी गीत में लिखा है वही उधर है। स्वादिष्टया मदिष्टया, जैसे इधर लिखा है आठवें श्लोक में लिखा है, मदरया गिरा बलगु वाक्यया, उधर भगवान गोपिकाएं कहती हैं आपकी वाणी बड़ी मधुर है, बड़े सुंदर पद हैं उसमें, और बुद्ध मनोज्ञया जो विद्वानों के मन को हरण कर लेती है, हे पुष्करेक्षण हे कमल नयन आप हमारा उद्धार करें। ये गोपी गीत में लिखा, उधर भी वेद में लिखा स्वादिष्टया जो बड़ी मधुर है। और फिर कैसा है, कैसे धारया जो धारा प्रवाह से चलती है, कभी वो वाणी रुकती नहीं, ऐसी जो आपकी बाघ धारा है। कहते पवस्व वो झरती रहे उसका प्रवाह बहता रहे, किस लिए, हे सोम हे शान हे संसार को चंद्रमा की तरह आनंद देने वाले अथवा चंद्रमा की तरह सुंदर श्री कृष्ण, इंद्र इंद्राय पातवे हमारे जीवात्मा को उस मधुर कथामृत पालन करने के लिए आपकी वो वाग्धारा बहती रहे। अब हमें जब ध्यान करना हो तो वो जो नौ कुमारिकाएं के श्लोक है उसमें जो भाव वर्णन किए उन भावों से विभूषित जो कुमारी स्वरूप है उसका चिंतन करना चाहिए। तो वो मैंने श्लोक भी अलग लिख दिए हैं, कुमारिकाओं के नीचे वेद मंत्र भी दे दिए हैं जिन मंत्रों द्वारा उन गोपिकाओं ने स्तुति की है, और जो गोपियों के वहां भाव है उसी भावों से युक्त उसी तरह की स्तुति करने वाली जो कुमारी गोपिकाएं हैं, जब हम ध्यान करें कुमारी गोपिकाओं को तो उस स्वरूप का चिंतन करें। और इसीलिए क्यों प्रधानतम तो कुमारी गोपिकाएं थी, क्यों भगवान ने गीता में बार बार उनको याद किया, आनंद चेता सततम ये तु सर्वाणि कर्मणि मई संन्यास में अनन्ये नैव योगेन मांच जो भी विचारेण भक्ति योगेन सेवते, यहां तहा अनन्य का अनन्य वो ही होता है जिसकी पहले शादी न हुई हो। वहां वेद बतलाए हैं, एक होती है सपूर्वा, सपूर्वा मैंने पहले जिनका विवाह संस्कार हो चुका हो उनको पतिमति भी कहते हैं, वो है प्रौढ़। और वहां कुमारियों का कहा अनन्य पूर्वा, पहले जिसने किसी का आश्रय नहीं लिया साक्षात भगवान का ही आश्रय लिया, जिन गोपियों में लौकिक पति का सहारा न लेकर केवल प्रभु को ही अपना स्वामी बनाया वो कुमारी गोपिकाएं हैं। और उन्हीं कुमारी गोपिकाओं की प्रतिनिधि हमारी माता जी है। तो इसलिए आप जब ध्यान करें, अगर उन कुमारी गोपिकाओं का ध्यान करना हो तो जैसे वो नौ प्रकार के उनका चिंतन करें, अगर उधर झगड़े में न पड़ना हो तो माता जी का ही ध्यान कर लिया करो, ये कुमारी गोपिका ही है हमारी माँ। तो इसलिए अब अधिक कुछ न कहते हुए, समय भी अधिक हो गया है और इतना ही पर्याप्त है, क्यों भगवान के प्रेम की तो बस एक एक शब्द भी हृदय को तृप्त कर देता है, और फिर तो दिन रात माता जी की प्रेरणा से आप लोगों को ये सत्संग मिलता ही रहता है। और अभी आज रात्रि को जाने का भी है, कल फिर वेद भगवान की शोभा यात्रा दिल्ली में निकलेगी और एक सनातन धर्म सभा है दरियागंज, उसमें स्थापना होगी। तो मेरे को प्रभु वेद ने यही सेवा दी है कि तुम जगह जगह जाओ और स्थापना करते रहो, और माता जी और जितने और भी आचार्य हैं सब लोग प्रोत्साहन देते हैं कि हाँ स्वामी जी के काम अवश्य होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ना मैं कुछ करने वाला हूँ ना ये बगैर मेरा मन नहीं मानता, क्या तू कीर्ति भी नहीं ले सकता? तो मेरे को भी प्रभु ने यही डांटा कि गंगेश तो कर करा तो कुछ नहीं सकता, करना कराना मैंने, ये शर्म भी बनेगा तेरे रोके रोका नहीं ले, तू लगा ले जोर ये नहीं रुकेगा ये बनेगा, क्या तू इतना दुर्बल है कीर्ति भी नहीं ले सकता? मैंने समझा ठीक, देखेंगे भगवान अब क्या रचना रचते हैं, कौडी तो है नहीं कि कैसे बनेगा शर्म। तो वहां एक सनातन धर्म सभा का मंत्री आया, वो मुझे ले गया, कहते महाराज कोई धन की सेवा करता है कोई शरीर की करता, आप एक लेक्चर ही करते हैं हमारी शिमला की सनातन धर्म सभा में, हमको बाहर से कोई बुलाना नहीं पड़ेगा, 500 रुपया भेंट करना पड़े, फर्स्ट का टिकट देना पड़े, और आप तो बड़े सस्ते हैं, क्यों आपने भेंट नहीं लेना, आपने किराया नहीं लेना, और आपकी
भाषण सुनने के लिए भी जनता दिख आएगी। तो वहां हम गए, एक माता जी थी जिसका रहन सहन यूरोपियन ढंग का था, कोई अन्य सत्संगी भी नहीं थी। भगवान ने उसको पकड़ा, 2000 रुपया, कहती महाराज मैं भेंट करती हूँ। मैंने कहा माँ किस काम के लिए, सभा को दिया जाए? कहते नहीं महाराज, ये तो मैंने आपको दिया, सभा को तो मैंने चंदा अलग दिया, अब 2000 तो मिल गया। एक और बूढ़ी माता आई, कहती महाराज 100 रुपये मैंने रख छोड़ा धर्मादे के लिए, बहुत दिन हो गए इसको लगा दी। मैंने उसी को 2100 रुपये पकड़ा दिया कि माँ मनी ऑर्डर का पैसा मेरे पास नहीं, तो मनी ऑर्डर कर दो अमुक नाम से, वो वहां भूमि ले लेगा। फिर तो भगवान ने लंबा चौड़ा विस्तार कर लिया। यही बात थी, अब मैंने तो सब छोड़ ही दिया था, कथा करना भी, पुस्तक देखना भी, केवल भगवान नाम स्मरण में लगा रहता था। वेद सामवेद अथर्ववेद सब उनको कंठ करा रखा था। अगर बिना गाए मंत्रों से देवों की स्तुति करनी हो तो ऋग्वेद पढ़ा जाता, उसको शास्त्र बोलते, गाकर करना हो तो सामवेद, उसको स्तोत्र बोलते, और कुछ प्राश्चित वगैरह करना हो तो अथर्ववेद की जरूरत है। तो सारे जितने यज्ञ में कार्य थे वो कन्या ही किया करती थी। मैंने बॉम्बे में उनका एक बेर यज्ञ देखा, अब मैं समझता हूँ थोड़े दिन में, देखिए आजकल किसी को पूछा जाए गायत्री का पुरुष चरण, शहर को एक आध आदमी निकले, पर हमारी कुछ बेटियां, यहाँ दो बेटियों ने प्रण लिया है, वे निमिषारण्य में रहकर 24 लाख गायत्री का पाठ करेंगे। तो जब माता का साथ मिल जाए फिर बतलाओ लड़के को क्या चीज की कमी रह सकती है, सब चीजें मिल जाया करती। इसीलिए रामकृष्ण महाराज कहा करते थे कि माँ के भगवान की उपासना माता के रूप में करो, इसलिए वेद भगवान को हम कहते थे, वेद माता कहने लगे हैं। आज कीर्तन हो रहा था, बड़ा आनंद आता था, माता जी भी गाते कीर्तन करती, दूसरे साथी भी करते थे, तो बड़ा जय वेद माता जय वेद माता, अंत में कहते जय जय माँ जी, भगवान वेद की स्थापना होगी। और हमने पहले बना भी रखा 150 वेद हमने विदेश में स्थापित करना है, 150 आर्य समाज को, बाकी सनातन और नहीं आ जाएगा। कीमत महाराज बिल्कुल नहीं रखो। मैंने कहा अच्छा बेटा तेरी अच्छी सलाह है, क्यों जिस वेद की हम कोई कीमत नहीं डाल सकते उसकी 200, 250, 500, 1000 रख दें। बल्कि अमेरिका से एक पत्र आया, एक कंपनी ने लिखा कि महाराज अगर $10,000 भी चाहो, $15,000 भी चाहो, हम भेज देंगे, क्यों हमने एक अमेरिकन के मुख से सुना है, वो वेद के दर्शन कर गया हरिद्वार में, कहीं बड़ा अद्भुत वेद है, पैसा तो हम दे सकते हैं, पर सुना है आप तो पैसा लेते नहीं, अब ये हमें मिले कैसे। मैंने कहा श्रद्धा करो, धीरे धीरे मिल जाएगी, इसकी कीमत तो श्रद्धा है, यहाँ श्रद्धा है, प्रेम है, वहां भगवान वेद भी पहुंच जाते हैं और मुझे भी ले जाते हैं। देखो ठंडी मैं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्तूरी वेद। बाबा ये सब आपने को बांध के आया, जैसे बच्चा कुछ कह नहीं पाए नहीं, माँ को भी छुट्टी देना है जी, माँ को भी तो जाना है बसंत पूजा में, इसलिए हमने सोच लिया था माँ की भी सुविधा देखी। बाबा यहाँ पर एकांत स्थान है, कभी यहाँ बैठ सकते हैं, कभी कभी मन किया यहाँ 2 महीने बैठ के लिखते रहे अपने। बाबा तुम यह बात को मन में स्मरण रखना, आज तो बांध के आया बाबा, तो कभी बच्ची को धोखा नहीं देते, नहीं धोखा देते है ना, बच्चे है ना, और जहाँ जहाँ कृपा करना कर ही रहा, इसीलिए कहने का नहीं है बाबा, एक रात्र और एक रात्र हो, कहने का भी नहीं रखा, क्या करें, कल 2-3 बजे अभी तो जरा यात्रा भी नहीं हम पूरी कर पाए, तो अब ये पता चल गया कोई कठिन नहीं है, माला तो से बारह भी नहीं सके बाबा, तू कल प्रोसेशन है, उसकी स्थापना है, साधु स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है माता जी, भगवान इच्छा कृपा से जितना वर्षण करे, जितना अमृत वर्षण अपने में अपने, नारायण 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 बाबा, रामायण शुरू हो जाए। सब लोग बड़े चाव में थे कि प्रभु के साथ सके चलेंगे, हनुमान जी छुप गए,
इस डर से कि कहीं राम कथा से वंचित ना हो। अगर वहां चला गया तो राम कथा रह जाएगी, रामायण गोष्ठी नहीं मिलेगी। इसलिए वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड 107 के अध्याय में हनुमान जी कहते हैं, तावत स्थास्यामि मेदिन्याम तव कथा मन चिंतयन, के प्रभु ये बात है कि जावत तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी, संसार को पवित्र करने वाली जब तक राम कथा संसार में रहे उसके सुनने के लिए प्रभु मुझे आज्ञा हो जाए, मैं यहाँ ही रहूं। तो रामायण गोठी ऐसी चीज उसको छोड़कर जाने को मन तो नहीं चाहता, पर भोजन करके फिर जरा सोना है, कुछ ऐसा स्वभाव पड़ गया है, इसलिए क्षमा करेंगे। राम गोष्ठी के सदस्य दाजी रम में लिखते हैं, मोहनी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मोहनी शंकर वंदे, पार्वती और शंकर की मैं वंदना करता हूं जो श्रद्धा और विश्वास की मूर्ति है। हमारी पार्वती माता श्रद्धा है और भगवान महेश्वर हैं विश्वास। अब देखिए कि मेरी बड़ी माताजी पर श्रद्धा है, मेरा माताजी में बड़ा विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास ये तो एक दूसरे का पर्याय है, इंग्लिश में अदर वर्ड कह दो। तो यहां तुलसीदास जी ने क्या सूक्ष्म विचार रखा है जिसे पार्वती जी को बतलाया श्रद्धा और शंकर को बतलाया विश्वास। इस पर हमारे रामायण की गोष्ठी के विद्वान विचार करेंगे। मैंने भूमिका बांध दी और मैं अपनी ओर से भी छोटा सा उत्तर दे भी जाता हूं। पता है कि पहले तो मन मानता ना हो, चमत्कार को नमस्कार किया जाए, कोई दिव्य घटना के कारण जो हृदय में किसी के लिए भावना पैदा होती उसको कहते हैं श्रद्धा। और सहज जो किसी के हृदय में सहज भावना उसको कहते हैं विश्वास। अब महेश्वर भगवान के हृदय में तो प्रभु राम के लिए सहज भावना है, उनके हृदय में कभी स्नेह होता ही नहीं कि ये मनुष्य है। और माता चक्र में पड़ गई और यहां तक कि उनकी परीक्षा लेने चली गई, ये रामायण में आता ही है। जब फिर प्रभु ने कहा, मां तुम कहां आ गई, भोले शंकर कहां रह गए, चमत्कार को देखकर नमस्कार किया, फिर पता चला कि हाँ ये साक्षात प्रभु है। इसलिए चमत्कार को देखकर जो दिल में भावना आती है उसको कहते हैं श्रद्धा, बगैर किसी कारण से सहज जो हृदय में भावना है उसको कहते हैं विश्वास। कुन शरण में ले लो नाम लोरा, मुझे अपनी शरण में ले लोरा, मुझे अपनी शरण में ले लो नाम ले लोरा, मुझे अपनी शरण में ले लोरा। लोचन मन में जगाना हो तो, लोचन मन में जगाना हो तो जुगल चरण में ले लोरा, ले लोरा, मुझे अपनी शरण में ले लोरा। जीवन देखे जाल बछाया, रच के माया नाच नचाया, जीवन देखे जाल बछाया, रच के माया नाच नचाया।